हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्या मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे थे। हम कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने क्या मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्या हमने मौर्योत्तर काल में क्या सुंग वंश के बारे में देख लिया था, है ना। सुंग वंश के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सातवाहन के बारे में पढ़ लिया था, सातवाहन वंश के बारे में। उसके बाद हमने शक वंश के बारे में पढ़ लिया था, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत वंश आते हैं, हमने उनको ही पढ़ा है। तो हमने सुंग को भी देख लिया था, सातवाहन को भी देख लिया था और शक को भी देख लिया। शक की दो शाखाएं थी, एक क्षयराद वंश और एक कदर्मक वंश, है ना। तो हमने दोनों वंशों के बारे में देख लिया था। आज हम क्या कुषाण वंश के बारे में देखेंगे कि कुछ समय तक जो मध्य प्रदेश में कुषाण वंश भी था। तो क्या सबसे पहले कौन, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं। इसके संस्थापक कुजुल कुजुल कंडफिसिस क्या है, कुजुल कंडफिसिस ये क्या है, विदेशी है, है ना। विदेशी वंश है, मतलब ये बाहर से आए थे, इसलिए इनके नाम ऐसे हैं, कुजुल कंडफिसिस, जो कि ये विदेशी आक्रमण करता है ना। उसके बाद विम कंडफिसिस आए थे। इनके सिक्के कहाँ से मिले, विदिशा से। कहाँ से मिले सिक्के, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कुषाण वंश के विम कंडफिसिस के सिक्के कहाँ से मिले, तो विदिशा से मिले। उसके बाद कनिष्क, जो कि सबसे ज़्यादा कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक कौन है, कनिष्क, है ना। इसके बारे में हम इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो कनिष्क है, कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले, झांझापुरी शहडोल से। कहाँ, झांझापुरी शहडोल से। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश से किस जिले से प्राप्त हुए, तो झांझापुरी शहडोल से प्राप्त हुए, है ना। कहाँ से, झांझापुरी शहडोल से। उसके बाद जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश के अन्य जो कनिष्क के अन्य सिक्के कहाँ से मिले, जबलपुर के भेड़ाहाट से भी मिले और एक झांझापुरी शहडोल से। और जो कुषाण वंश का शासन था, विशेषकर विदिशा में था, विदिशा उज्जैन और यहाँ पर था ना, विदिशा और उज्जैन जिलों में था कुषाण वंश का शासन। उसके बाद नागवंश, मध्य प्रदेश के अंतर्गत नागवंश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं और प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो नागवंश है, नागवंश का मुख्य रूप से शासन कहाँ पे था, ग्वालियर और विदिशा। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नागवंश का शासन मुख्य रूप से किस किन जिलों में शामिल था, तो ग्वालियर और विदिशा में था। अगर प्रमुख राजा की बात करें तो सबसे संस्थापक इसके कौन है, ब्रसनाग। कौन है, ब्रसनाग। तो नागवंश की स्थापना किसने की है, ब्रसनाग ने की थी। और इसके इनके सिक्के कहाँ से मिले, विदिशा से प्राप्त हुए इनके सिक्के। और राजधानी क्या थी, राजधानी किसको बनाया था, राजधानी भी इन्होंने विदिशा को बनाया था ना। उसके बाद ब्रसनाग के बाद कौन आया था, भीमनाग आया था। तो भीमनाग ने जो राजधानी है विदिशा से कहाँ, पद्मवती कर दी थी। पद्मवती को क्या बोलते हैं, ग्वालियर, है ना। वर्तमान का ग्वालियर क्या है, पद्मवती, है ना। तो भीमनाग ने, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजधानी विदिशा से पद्मवती किस शासक के काल में हुई, तो किसका शासन काल में हुई थी, भीमनाग के समय हुई थी, है ना। और अंतिम की बात करें तो अंतिम कौन था, गणपति नाग, है ना। आपसे हमेशा यही पूछ सकते हैं कि संस्थापक कौन था, उसके बाद शक्तिशाली कौन था। इसमें हमने भीमनाग को इसलिए देखा क्योंकि इसके समय क्या राजधानी परिवर्तित हुई थी, है ना। तो जो राजधानी परिवर्तन होता है तो उस शासक का जरूर पूछते ही है ना। तो भीमनाग के समय राजधानी विदिशा से पद्मवती की थी। और अंतिम कौन था, गणपति नाग। कौन था, अंतिम था गणपति नाग। जो गणपति नाग की मृत्यु किसने की थी, समुद्रगुप्त द्वारा इसको पराजित किया था। समुद्रगुप्त किसके शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे, है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही बोधि वंश है ना, बोधि वंश ये मध्य प्रदेश में ही था बस। कब इसकी कब था ये, दूसरी से तीसरी शताब्दी में क्या था, बोधि वंश था। और विशेषकर ये कहाँ पर था, तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि बोधि वंश मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो तेवर, वर्तमान में जबलपुर इसका नाम है। यहाँ पे किस किस का शासक था, प्रथम था श्री बोधि, उसके बाद बासु बोधि, उसके बाद चंद्र बोधि और शिव बोधि, है ना। तो ये चार राजाओं के क्या नाम मिलते हैं किसमें, बोधि वंश में, है ना। इनके सिक्के कहाँ से मिले, जबलपुर से ही इनके सिक्के मिले। उसके बाद मगवंश देखेंगे, मगवंश कहाँ पे था, विशेषकर बघेलखंड में मगवंश था। कहाँ पे थे, बघेलखंड में मगवंश था। प्रथम कौन थे मगवंश के शासक, भीमसेन थे, है ना। उसके बाद भद्रमग और शिवमग,
कौन थे, भद्रमग और शिवमग, है ना। और इनके सिक्के कहाँ से मिले, बांधवगढ़ और उमरिया से। किसके सिक्के मिले, मगवंश के शासक के सिक्के मिले, है ना। उसके बाद क्या, वाकाटक वंश भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाकाटक वंश, है ना। तो वाकाटक वंश मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पर था, बुंदेलखंड में था, और विशेषकर क्या है, इसमें इसके अंतर्गत विदिशा था, है, और इनकी राजधानी भी क्या, विदिशा थी, है ना। इसके संस्थापक कौन है वाकाटक वंश के, तो विंध्य शक्ति इनके इसके संस्थापक है वाकाटक वंश के, और राजधानी क्या बनाई थी, विदिशा को बनाई थी, कहाँ पे, विदिशा को बनाई गई थी। उसके बाद विंध्य शक्ति के बाद कौन आए थे, प्रवरसेन प्रथम आए थे। उसके बाद प्रवरसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन प्रथम, है ना। हम ये सिक्वेंस से देख लेते हैं क्योंकि वाकाटक वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले विंध्य शक्ति आए थे, उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, उसके बाद रुद्र सिंह प्रथम, है ना। इसको इनको किसने पराजित किया था, समुद्रगुप्त द्वारा इनको पराजित किया गया था, किसको, रुद्र सिंह प्रथम को। उसके बाद रुद्र सिंह प्रथम के बाद कौन आया था, पृथ्वीसेन प्रथम। उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन द्वितीय आया था, है ना। तो जो रुद्रसेन द्वितीय की शादी किससे हुई थी, है ना, विवाह किससे हुआ था, चंद्रगुप्त की जो पुत्री है भगवती, उनसे किसका विवाह हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था ना। और जो चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था, वाकाटक वंश की कन्या कुबेर नागा से हुआ था। तो चंद्रगुप्त की पुत्री का विवाह किससे हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था, वाकाटक वंश की कन्या कुबेर नागा से हुआ था ना। उसके बाद जो भगवती जो चंद्रगुप्त की पुत्री है भगवती, उनके दो पुत्र थे, एक तो दिवाकर था और एक कौन था, दामोदर का अन्य नाम क्या था, प्रवरसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय के बाद किसका शासन था, दामोदर का शासन था प्रवरसेन द्वितीय का, है ना। उसके बाद अंतिम कौन शासन था यहाँ पे, पृथ्वीसेन द्वितीय है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाकाटक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो पृथ्वीसेन द्वितीय इनके शासक थे, है ना। और जो भगवती गुप्त है ना, चंद्रगुप्त की पुत्री, उनका एक अभिलेख है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभिलेख है, पूना अभिलेख, है ना। कौन सा अभिलेख है, पूना अभिलेख भगवती गुप्त का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगवती गुप्त का कौन सा अभिलेख है, तो पूना अभिलेख है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में गुप्त वंश कहाँ कहाँ था और किस किस राजा का शासन था ना। तो गुप्त वंश क्या, तीन से चौथी शताब्दी में क्या, गुप्त वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ था, मालवा क्षेत्र पर था, है ना। पूरे मालवा पर शासन करते थे। उस प्रथम कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिसका मालवा समेत पूरे भारत पर अधिकार किया था। उसके बाद जैसे क्या हुआ था, जो मौर्य काल में क्या, जो पूरा भारत क्या एकीकृत हो गया था ना। उसके बाद मौर्योत्तर काल में क्या, अलग अलग वंशों में बट गया था। फिर उसके बाद गुप्त काल में क्या, फिर से एकीकृत हो गया था, मतलब एक साथ आ गया था ना। तो हम ये सीक्वेंस ले सकते हैं कि मौर्य काल में क्या एकीकरण हो गया था, उसके बाद गुप्त काल में हो गया था, और मौर्योत्तर काल में अलग अलग वंशों में विभाजित हो गया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या, समुद्रगुप्त आया था। समुद्रगुप्त का क्या, इलाहाबाद स्तंभ लेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है ना। समुद्रगुप्त का शासन कहाँ पर था, अम्भीर कहाँ पर, झांसी व विदिशा के अंतर्गत, सनकानिक पर था, भिलसा भी विदिशा को बोलते, काक किसको बोलते, सांची को बोलते, और खरपारी कहाँ पे, दमोह में, है ना। उसके बाद जो समुद्रगुप्त द्वारा क्या, गणपति नाग को पराजित किया था। और जो शक शासक है, जो विदिशा पर शासन था,
विदिशा पर शासन था, श्रीधर वर्मन वर्मन को भी क्या पराजित किया था, किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, है ना। और जो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले, विदिशा दमों से और दुर्जनपुर दमों से मिले, है ना। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था, रामगुप्त आया था। कौन था, रामगुप्त का शासन था। इतने समय तक रामगुप्त का शासन नहीं था, कुछ ही समय तक था। उसके बाद कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन का किसके बाद आया था, रामगुप्त के बाद, है ना। इन्होंने क्या किया था, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। ये शक वंश के जो कदंबर वंश है उनके अंतिम शासक थे, है ना, उनको पराजित किया था। और जो गुप्तकालीन कला है उसमें क्या, बाघ की गुफाएं जो धार में वो विशेषकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया था, स्कंदगुप्त, है ना। कौन आया था, स्कंदगुप्त। अपन सीक्वेंस भी देखते चलते हैं। स्कंदगुप्त के बाद और भी राजा आए थे। उसके बाद अंतिम राजा कौन थे, भानुगुप्त। सबसे पहले हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, है ना। स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त। भानुगुप्त कौन है, अंतिम शासन है गुप्त वंश के, है ना। अब हम कुछ अभिलेख भी देख लेते हैं जो गुप्त वंश से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मंदसौर अभिलेख है ना, ये किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। किस, ये स्कंदगुप्त के पहले कौन था, कुमारगुप्त था, है ना। कौन था, कुमारगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त से पहले। तो क्या है, जो मंदसौर अभिलेख है कुमारगुप्त से संबंधित है। और ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में है। और इसमें क्या, सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है, सूर्य मंदिर के जो निर्माण है उसका वर्णन किया गया है। और इसकी रचना किसने की है, वत्स भट्ट द्वारा किसकी रचना की है, मंदसौर अभिलेख की रचना की। इसमें क्या, रेशम बुनकर की जानकारी भी मिलती है। जैसे क्या, जो MPPSC का प्री 2019 हुआ था ना, 2019 में क्या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रेशम बुनकर की जानकारी किससे मिलती है, तो किस कहाँ से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था ये कि रेशम बुनकर की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है ना। उसके बाद सांची अभिलेख किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है सांची अभिलेख। इसमें क्या, जो हरि सोमनी द्वारा क्या, कंकनाथ बाट जो संघ है उसका वर्णन किया गया है। और जो आर्य संघ को भूमि दान का भी वर्णन किसमें किया गया है, सांची अभिलेख में किया है ना। उसके बाद उदयगिरी का अभिलेख कहाँ पे है, ये रायसेन में है। और यहाँ पे क्या, एक जो शंकर नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण किया गया है, इस निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, उदयगिरी अभिलेख में मिलता है ना। उसके बाद तुमेन का अभिलेख किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। और ये कहाँ पे, अशोक नगर में। जो गुप्त वंश के अधिकतर जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है ना। और जो एरन अभिलेख है वो कहाँ से मिला, सागर से मिला। इसमें क्या, हूणों की जानकारी मिलती है, जो भारत में हूण आक्रमण हुए थे उनकी जानकारी किससे मिलती है, एरन से मिलती है ना। हूण आक्रमण के समय कौन था, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक था। कौन था, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हूण वंश के आक्रमण के समय गुप्त वंश का शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त था ना। और जो एरन अभिलेख से क्या, सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। किसका, सती प्रथा का प्रमाण भी किससे मिलता है, एरन अभिलेख से। जो सती प्रथा, जब सती हुई थी प्रथम स्त्री, तो उस समय कौन था शासक, भानुगुप्त था जो अंतिम शासक था। उसने क्या, अपने जो राजपाल थे गोपराज, है ना, गोपराज की पत्नी कौन थी, चित्रांसी। ये अभी तक नाम नहीं पूछा पर पूछ सकते हैं। तो नाम क्या था, चित्रांसी क्या हुई थी, प्रथम सती हुई थी, है ना। और इसका उल्लेख किसमें किया गया, एरन अभिलेख, जो कि कहाँ पे, सागर में, है ना। और सूपिया अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। और ये कहाँ पर है, रीवा में। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मंदसौर अभिलेख से क्या, रेशम बुनकर जानकारी। और सांची अभिलेख कहाँ पर, सांची में है। और ये किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है।
उदयगिरी अभिलेख कहाँ पे? रायसेन में है ना। तुमेर अभिलेख कहाँ? अशोकनगर में। ये किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से। एरन अभिलेख कहाँ से कहाँ पर है? सागर में। और ये किससे? सती प्रथा से संबंधित है। सूपी अभिलेख कहाँ पे? रीवा में। और ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। तो आज हमने क्या, मौर्योत्तर काल हमारा कंप्लीट हो गया है ना। मौर्योत्तर काल में हमारा क्या, सुंग वंश भी कंप्लीट हो गया, सातवाहन वंश भी कंप्लीट हो गया, सग वंश भी कंप्लीट हो गया, कुषाण वंश भी हो गया है ना। इसके बाद हमने नाग वंश भी पढ़ लिया, बोधि वंश भी पढ़ लिया है ना, मग वंश भी पढ़ लिया हमने, मग वंश के बाद हमने वाकाटक वंश भी पढ़ लिया है। उसके बाद हमने गुप्त वंश देखा, गुप्त वंश में हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, इसका समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, और अंतिम कौन है? भानुगुप्त। और प्रमुख जो गुप्त वंश के अभिलेख हैं वो भी हमने देख लिए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो गुप्तोत्तर काल है वो पढ़ेंगे।